स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, बहन को भाई ने बेरहमी से पीटा, बिजली के वायर को चाबुक की तरह किया इस्तेमाल, टीचर कहती रही मुझे मत मारो छोड़ दो। रायपुर में पेशे से टीचर, अपनी शादीशुदा बहन को एक भाई ने बेरहमी से पीटा है। बिजली के वायर को चाबुक की तरह इस्तेमाल करते हुए आरोपी ने बहन पर हमला किया, इससे महिला के पैरों में खून के लाल थक्के जम गए, चेहरे और हाथ में भी चोट आई है। मामला गुढ़ियारी इलाके का है। अब इस मामले में महिला की शिकायत पर पुलिस बेरहम भाई के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला ने अपने साथ हो रही ज्यादतियों की शिकायत रायपुर के कलेक्टर से भी की है। महिला का दावा है कि प्रॉपर्टी के विवाद की वजह से उसके अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं। अपने साथ हुई ताजा घटना का जिक्र करते हुए दीपा पुरोहित ने बताया कि वो गुढ़ियारी के नया तालाब इलाके में अपने मायके में रहती हैं। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से पति साथ नहीं रहते, गुजारे के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करती हैं। मकान के ऊपरी हिस्से में दीपा की माँ और भाई अनुराग शर्मा रहता है। वो आए दिन कमरा छोड़कर कहीं और जाने को कहता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता है। दीपा ने बताया कि बीती शाम करीब 4 बजे वो अपने घर पहुंची तो कमरे में ताला लगा था। दीपा ने माँ से ताला खोलने को कहा तो भाई अनुराग शर्मा ने आकर महिला को पीट दिया। काफी देर तक वो बहन को पीटता रहा, मोहल्ले के कुछ लोगों ने भी देखा, मगर कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया। भाई की मार खाने के बाद महिला अकेले ही थाने गई और रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब पुलिस दूसरे पक्ष से भी पूछताछ के बाद मामले में कार्रवाई की बात कह रही है।